Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis. And today's topic is all about Zaha Hadid. As we know, 31st of October, that is for today, it is the birth anniversary of Zaha Hadid, ma'am. And as an Indian, in India, we also celebrate this day. Can you please tell me in comment section that 31st of October in India, how we celebrate it? So it's a very important day as perspective of India. And as an architect, we should know about the Zaha Hadid. And so I thought that it is better to discuss architects and their work on their respective birth date. So first of all, it is called as the queen of the curves, क्योंकि बहुत सिंपल है समझना. इनकी जितने भी आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी, इट इज ऑल अबाउट द कर्व्स. इनको राइट एंगल या फिर इस तरह की चीजें से ज्यादा पसंद था कर्व्स के थ्रू काम करना. सो एक वेरी फेमस कोट है उनका, आई डोंट थिंक दैट आर्किटेक्चर इज ओनली अबाउट शेल्टर्स, इट इज ओनली अबाउट अ वेरी सिंपल एनक्लोजर. इट शुड बी एबल टू एक्साइट यू, टू काम यू एंड टू मेक यू थिंक. तो एज अ ज़ाहा हदीद मैम, उनका मानना था कि आर्किटेक्चर का मतलब एक ऐसा नहीं है सिर्फ घर प्रोवाइड करना नहीं है, उसका काम कुछ घर प्रोवाइड करने का शेल्टर से कहीं ज़्यादा और भी है, जैसे जो आपको एक्साइट करे, आपको काम करे और आपको सोचने पर मजबूर करे. एंड दिस पीपीटी इज हैविंग मोर देन 75 अराउंड स्लाइड, सो आई विल ट्राई कि जल्दी ये काम खत्म हो जाए, बट इट कैन बी लिटिल बी लॉन्गर. सो एंड अवर डिस्कशन शुड नॉट बी लाइक कि उनके प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, अवर एम शुड बी कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी थीम किस तरह से काम करती थी, उनका तरीका क्या था सोचने का, हाउ सी यूज टू प्रैक्टिस आर्किटेक्चर, वो कैसे आर्किटेक्चर को देखती थी. सो उनको बोला जाता है अ पेपर आर्किटेक्ट. सो नाम से काफ़ी क्लियर है, सम पीपल यूज टू कॉल हर एज अ पेपर आर्किटेक्ट. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिजाइन सी यूज टू मेक, इट वॉज लाइक मोस्टली ऑन द पेपर. कभी ऐसा उनको लगता था कि इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो एज अ ज़ाहा हदीद उनको बोला जाता था. ओके, सो यू कैन गेट द PDF इन द टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम इफ यू हैव एनी क्वेरीज. सो एन इंट्रोडक्शन, इट इज लाइक 31st of October, आई थिंक 70 ईयर्स बैक इन बगदाद. बगदाद एक इराक में एक बहुत बड़ा कल्चर सिटी है, जैसे इंडिया के अंदर पाटलिपुत्र हुआ करता था, ऐसे ही इराक के अंदर बगदाद वॉज अ वेरी बिग कल्चर सिटी वॉज देयर. सो सी ग्रू अप इन वन ऑफ द बगदाद फर्स्ट बोहाज इंस्पायर्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग एन एरा इन विच मॉडर्निज्म कैन नॉट ग्लैमर एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग. तो जहाँ पर उनकी जो बर्थ हुआ था उस टाइम पीरियड के अंदर मॉडर्निज्म के बारे में बात की जाती थी. इट वॉज लाइक 1950s के आसपास की बात है, जहाँ मॉडर्निज्म का मतलब होता था कि एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग से उनको रिलेट किया जाता था इन द मिडल ईस्ट. सो अल्मा मार्टर इज लाइक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ द बेहरूत, आर्किटेक्चुरल एसोसिएशन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इनके बारे में है. आप इनको पोस्ट करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, मैंने डाल दिया है. ऑल दो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूँ तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा. इनके लाइफ के बारे में है, आर्किटेक्चुरल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. तो ज़ाहा हदीद ही इज़ एन आर्किटेक्ट, ऑफकोर्स इट वॉज लाइक वॉज एन आर्किटेक्ट हु कंसिस्टेंटली पुशेज द बाउंड्रीज ऑफ आर्किटेक्चर एंड अर्बन डिजाइनिंग. हर वर्क एक्सपेरिमेंट्स विद अ न्यू स्पेशल कंसेप्ट इंटेंसिफाई एग्जिस्टिंग अर्बन लैंडस्केप. सो हेयर इन द परस्यूट ऑफ विजनरी एस्थेटिक दैट एनकंपासेस ऑल फील्ड ऑफ डिजाइन रेंजिंग फ्रॉम द अर्बन स्केल थ्रू द प्रोडक्ट एंड इंटीरियर्स एंड फर्नीचर. यस, इट इज ट्रू. ज़ाहा हदीद का बिल्डिंग के साथ साथ सी वॉज ऑल्सो हैविंग इंटरेस्ट इन द पेंटिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फर्नीचर एंड ऑल. वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक इन द लेटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन. ओके, सो ज़ाहा हदीद वॉज अवॉर्डेड द प्रिट्जकर अवार्ड. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, बिकॉज सी वॉज द फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट मुस्लिम आर्किटेक्ट हु विन द प्राइज ऑफ प्रिट्जकर अवार्ड इन 2004. सो इट वॉज लाइक एंड हदीद वर्क कंसिस्टेंटली टेस्ट द बाउंड्रीज ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन. सी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फ्लूडिटी. तो देखते हैं क्या होता है कंसेप्ट ऑफ फ्लूडिटी के बारे में इनकी बिल्डिंग के अंदर. सो इनका एक बड़ा फेमस कोट और भी है, दैट इज इफ देयर आर 360 डिग्रीज सो वाई स्टिक टू वन. उनका मानना था कि जब 360 डिग्री हैं तो हम एक ही डिग्री पर क्यों फोकस करें. सो इट वॉज लाइक कि उन्हें काफ़ी ओपन माइंडेड थी एंड सी वॉज लाइक टू एक्सप्लोर द डिफरेंट परस्पेक्टिव, डिफरेंट विजन्स, डिफरेंट डायमेंशंस इन एवरी फील्ड. सो आर्किटेक्चुरल फिलोसफी वॉज देयर. सो हदीद का जो पहला काम था, इट वॉज अ फायर स्टेशन नियर द जर्मन स्विस बॉर्डर. तो जहाँ पर जर्मनी है, इट इज़ लाइक जर्मनी इज देयर, सो स्विट्जरलैंड इज लाइक यहाँ पर जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड और यहाँ पर फ्रांस.
फोर दी फर्नीचर कंपस, एक वित्रा के नाम से एक कंपनी हुआ करती थी, उनके लिए फायर स्टेशन बनाने का काम दिया गया था और उन्होंने वहां पर ही ये कोट बोला था। सो उनके द मेन कंपोनेंट ऑफ द फिलोसफी बिहाइंड हर डिजाइन वाज डीकंस्ट्रक्टिविज्म। इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है डीकंस्ट्रक्टिविज्म एंड द फ्लूडिटी, ग्रेविटी डिफाइंग, फ्रेगमेंट्री एंड रिवोल्यूशनरी। सो वी विल सी अबाउट दिस थिंग ग्रेविटी डिफाइंग, दैट इज जो ग्रेविटी को फॉलो ना कर रहा होगा। इफ देर आर सम स्ट्रक्चर विच इज डिनाइंग द ग्रेविटी, ऑफकोर्स इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन देखने में ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक अ बिल्डिंग लाइक दिस, तो दिखता है कि कैंटिलीवर है तो के नीचे क्यों नहीं गिर रहा है या फिर इस तरह से चीजें। सो इट इज डिफाइंग द ग्रेविटी, बट इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द इनसाइट, हदीद रिमेन्स अहेड ऑफ हर टाइम एंड रिस्पॉन्सिव टू इमर्जिंग सोशल डिमांड्स इन द सेंस दैट द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ सीरीज ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड पावर विच एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू द लेविश सिंगुलर ट्रॉफीज। सो अल्टीमेटली सोशल इशूज के बारे में बात की जाती है। देखो अनइक्वालिटी, अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लाइक अ सोशल कॉन्सेप्ट। आज भी अगर हम इंडिया में देखते हैं, इवन नॉट इन इंडिया, इवन द वर्ल्ड एज अ होल, इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है। अगर आप कोई फील्ड उठाकर देखेंगे, इफ यू टॉकिंग अबाउट द इंडिया, तो इंडिया के अंदर एक तरफ बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं और एक तरह का सोसाइटी ऐसी भी है जहां पर उनके पास दो वक्त की रोटी नहीं होती है। इवन इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, देर वॉज अ रिपोर्ट ऑफ कॉल्ड ऑक्स फैम रिपोर्ट एंड 2018 or 2019 में आई थी। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट कि पिछले एक साल के अंदर 1% पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज हैविंग 77% ऑफ इंडियाज वेल्थ। तो इंडिया के अंदर 1% लोगों के पास पूरी इंडिया की 77% वेल्थ कंसंट्रेटेड है। सो दैट्स कॉल्ड इनइक्वालिटी कि कम लोगों के पास बहुत ज्यादा है और जो सबसे गरीब लोग होते हैं उनके पास इतनी नहीं। खैर ये सोशल कॉन्सेप्ट है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, आर्किटेक्चरल स्टाइल डी कंस्ट्रक्टिज्म होता क्या है, इसका मतलब इज अ डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, क्योंकि 1950s से लेकर 1970s-80s तक मॉडर्निज्म का फेज बोला जाता है। एंड आफ्टर दिस फेज इट वॉज डी कंस्ट्रक्टिज्म का फेज आता है, दैट बिगेन्स इन द लेट 1980s। इट इज इन्फ्लुएंस बाई द थ्योरी ऑफ द कंस्ट्रक्शन विच अ फॉर्म ऑफ सिमेटिक एनालिसिस। मतलब क्या है, देखो इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाई फ्रेगमेंटेशन एंड इंटरेस्ट इन मैनिपुलेटिंग अ स्ट्रक्चर सरफेस स्किन नॉन रेक्टिकुलर शेप्स विच अपीयर्स टू डिस्टोर्ट एंड डिसएलोकेट एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर सच एज स्ट्रक्चर एंड वॉल। तो देखो यार ये इसकी डेफिनेशन है, इसको पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना। बाकी यही है कि आपका एक ब्लॉक है, इसको आप कितने पीस में तोड़ देते हैं और कुछ तोड़ने के बाद इसको आगे पीछे में भी मटेरियल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है डी कंस्ट्रक्टिविज्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज कर आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग इनफ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ फ्लूडिटी, अगर आप नेट पर चेक करेंगे तो आपको फिर से एक फिलोसफिकल लैंग्वेज मिल जाएगी जो आई डोंट थिंक कि वो जरूरत है आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर। आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, तो आपको समझ में आना चाहिए। सो अपीयरेंस ऑफ ए बिल्डिंग टू बी फ्लोइंग और द फ्लो ऑफ पीपल इन साइड अ बिल्डिंग सिमिलर टू द फ्लड, तो कुछ नहीं है, जैसे पानी होता है ना, लाइक एन वॉटर, कि अगर यू पोर द वॉटर ऑन द सर्फेस इट हैव द क्वालिटी ऑफ फ्लूडिटी, ये फैल जाएगा, है ना। इसी तरह से उसको बोलते हैं कि कोई भी डिजाइन देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको देख कर लग रहा है इट इज ऑल द बिल्डिंग इज स्टेशनरी, लेकिन देखने में ऐसी नहीं लगती है। क्लियर। इवन अगर मैं कुछ इफ आई मेक लाइक दिस, सो इट लाइक यस फ्लूडिटी इज ऑल्सो देयर इन द डिजाइन। क्लियर। तो थोड़ा ध्यान पढ़ाई पर ज्यादा करो समझने के लिए, रादर देन जस्ट रिमेम्बरिंग द डेफिनेशन एंड ऑल। सो आर्किटेक्चुरल अवार्ड्स वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं कौन कौन से उनको अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन आपके लिए जानकारी, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज इन 2005 सी वॉन एज अ प्रिट्जकर अवार्ड एंड सी वॉज द फर्स्ट वुमेन एंड अ मुस्लिम आर्किटेक्ट। क्लियर। तो बाकी इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि दैट टाइम 400 स्टाफ एंड 950 बिल्डिंग्स पर काम कर रहे थे, कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट वही है 2004, आई एम सॉरी इट वॉज नॉट 2005, इट इज 2004। जहा बिकेम द फर्स्ट फीमेल एंड द फर्स्ट मुस्लिम रिसिपिएंट ऑफ द प्रिट्जकर अवार्ड। 2008 के अंदर उनकी 69th रैंक दी जाती है फॉर्ब्स लिस्ट के अंदर, द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन।
उनके हिसाब से, क्लियर। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ वुमेन कमिंग फ्रॉम दी मिडल ईस्ट, दैट इज इराक ईरान, वेयर द सोसाइटी इज पैट्रियार्किकल एंड द वुमेन्स आर नॉट इंजॉइंग द इक्वल राइट्स, लेकिन सो कहीं ना कहीं ज़ाहदीद ये दिखाती हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट दी इट इज़ नॉट अबाउट दी मैन और वुमेन, इट इज़ ऑल अबाउट दी क्वालिटीज़ और दी आप उन कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो देर इज़ नथिंग लाइक कि वुमेन ये काम नहीं कर सकती या फिर वुमेन्स आर नॉट गुड इनफ इन एनी फील्ड। सो इट इज़ लाइक अगर आप उनको कंडीशन मिलेगी या उनको फैसिलिटीज मिलेंगी तो सी कैन ऑल्सो कॉम्पिट टू द मैन इवन बेटर देन द मैंस। सो अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़ लेना। स्टर्लिंग प्राइज मिला था इनको 2010-11 में लगातार 2 साल के लिए, और ये देख सकते हैं बाकी इनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। एंड नाउ कम टू द प्रोजेक्ट दैट इज वित्रा फायर स्टेशन। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइन के अंदर है, राइन एक राइन वैली का नाम सुना होगा आई सपोज, यू नो वेयर इज द राइन वैली, इट इज इन जर्मनी। सो 1990 या 1993 के आसपास की बात है, एरिया यहाँ पर है। इट वॉज अ सिंपल प्रोजेक्ट फ्रॉम जहा हदीद पॉइंट ऑफ व्यू बट एन इंपॉर्टेंट वन एज इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ हर कैरियर। सो अकॉर्डिंग टू हर दैट इट वॉज लाइक अ सिंपल प्रोजेक्ट, लेकिन द फर्स्ट प्रोजेक्ट और द फर्स्ट सैलरी दैट इज समथिंग जो पहली बार होता है, इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक वैल्यू इन योर लाइफ। सो अगेन, सो नाउ हियर यू कैन सी द फोटोग्राफ्स, इट वॉज द पेंटिंग मेड बाई द जाहदीद दैट टाइम। तो उनकी पेंटिंग का व्यू है जो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द प्लान एलिवेशन ऑल दिस थिंग, ऑल दो मैंने कुछ ड्राइंग डाली हुई है, बट इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये बस देखना है कि हमारे किस तरह से उन्हें काम करते थे मैम, ठीक है। सो मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, द वॉल बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड विद री इन्फोर्स कॉन्क्रीट इन द इन सीतू। सो इन सीतू इट इज लाइक डैश इज मिसिंग इन सीतू, फर्स्ट थिंग इज इन सीतू एंड सेकेंड थिंग इज एक्स सीतू। वॉट डज द मीनिंग ऑफ दिस टू डेफिनेशन, क्लियर। देखो इन सीतू का मतलब होता है कि साइट पर काम कर रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग समथिंग ऑन द साइट इट्स कॉल्ड इन सीतू, और एक्स सीतू मीन्स विच इज नॉट हैपनिंग ऑन द साइट। फॉर एग्जाम्पल, ये इन्वायरमेंट के अंदर भी क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, तो नेशनल पार्क इज एग्जाम्पल ऑफ इन सीतू। वाई? बिकॉज नेशनल पार्क की जो लोकेशन है वो वहां पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, राइट। लेकिन अगर हम बताते हैं बोटेनिकल पार्क पार्क बनाया जाता है या फिर एक अपना छोटा गार्डन बना दिया, सो इट वॉज लाइक वहां पर कुछ है नहीं, लेकिन यू आर्टिफिशियली यू क्रिएटेड समथिंग, सो इट इज द इन्वायरमेंट। सो द सेम थिंग, तो यहाँ पर जो मटेरियल थे, जो कॉन्क्रीट ब्लॉक्स थे, दे वर एक्चुअली बिल्ट इन सीतू इन द लाइट। वाई? अवॉइडिंग एनी एडिट दैट डिस्टोर द सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स प्रिज्मेटिक फॉर्म्स एंड द एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी ऑफ द आर्टिफिशियल कंसेप्ट, पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू द शार्पनेस ऑफ द एजेस। तो यहाँ पर अगर आप पुरानी, मैं फोटो दिखाता हूँ फिर से, तो आप अगर देख पा रहे हैं दिस काइंड ऑफ द शार्पनेस, तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं था, आपको देखना पड़ता है ओके ये सही चाहिए होगा, तो आपको उन वहाँ पर कॉन्क्रीट बनाई, कॉन्क्रीट जो रिन्फोर्स कॉन्क्रीट है वहां पर बनाई गई थी। नेक्स्ट थिंग इज मैक्सी, MAXXI, दैट इज ये 11 है रोमन के अंदर, इट इज कॉल्ड एज 11। सो म्यूजियम ऑफ 11th century आर्ट दैट इज इन रोम कैपिटल, इट इज अ कैपिटल ऑफ इटली। सो प्रोजेक्ट टाइटल का नाम यहाँ पर है, लोकेशन रोम में है, 1998 से 2009, काफी टाइम लग गया उनको, 10 साल के आसपास। सो द क्लाइंट वॉज देयर कंप्लीटेड एंड द एरिया इज देयर। सो लेट्स सी सम फोटोग्राफ्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मैक्सी सुपरसीड्स द नोशन ऑफ द म्यूजियम एज ऑब्जेक्ट और प्रेजेंटिंग अ फील्ड ऑफ बिल्डिंग एक्सेसिबिलिटी टू ऑल विद नो फर्म बाउंड्री बिटवीन वॉट इज इन विद इन एंड वॉट इज विदाउट। तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग कि जो उनकी जो डिजाइन बनाया गया था, उन्होंने पूरा का पूरा एज अ म्यूजियम का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। इवन वी स्टिल आई फील पर्सनली इन इंडिया दैट कि इंडिया के अंदर आज भी ये सोचा जाता है म्यूजियम का मतलब है कि वहां पर पेंटिंग्स लगी होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन होगी। नो, इट इज लाइक पैसिव वे ऑफ लर्निंग, इट हैज़ टू बी लाइक एन एक्टिव लर्निंग, कि आप वहाँ पर जाकर कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आप कुछ इंटरेक्शन के थ्रू हो सकता है। सो इन बिल्डिंग के अंदर, तो आप देखते हैं उनकी जो म्यूजियम था मैक्सी के नाम से, इट वॉज लाइक विद इन एंड विद, सो इट इज नो फॉर्म बाउंड्री बिटवीन द वॉट इज विद इन एंड वॉट इज विदाउट, कि इसके अंदर क्या है, लाइक काफ़ी ओपन बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज अ फ्लूड एंड सिनोएस शेप्स, क्या होते हैं द फ्लूड एंड स्नोएस शेप्स, द वेराइटी एंड इंटरवीविंग ऑफ स्पेसिस एंड द मॉड्यूलेटिंग यूज ऑफ नेचुरल लाइट लीड टू स्पेशल एंड फंक्शनल फ्रेमवर्क ऑफ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफरिंग कंसिस्टेंटली चेंजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड व्यू फ्रॉम विद इन द बिल्डिंग एंड आउटसाइड
तो अगर आप बिल्डिंग के अंदर ट्रैवल करते हैं तो यू विल सी द डिफरेंट व्यूज, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि काफी एकदम चेंज होते रहते हैं। इट इज लाइक कि इतने से प्लानिंग की गई है इस बिल्डिंग के अंदर कि आपको डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट व्यूज मिलते हैं। सो हेयर एज यू कैन सी दिस इज द बिल्डिंग लुक लाइक दिस, फ्लोटिंग डिजाइन है देख के लग गया होगा, एंड इट इज लाइक, तो यहाँ पर सर्कुलेशन आप देख पा रहे हैं। जहादीद स्टेटेड, आई सी द मैक्सी एज एन इमर्सिव अर्बन एनवायरमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज फीडिंग द कल्चरल वाइटलिटी ऑफ द सिटी। इट इज नो लॉन्गर जस्ट अ म्यूजियम बट एन अर्बन कल्चर। तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग इट इज वॉज नॉट जस्ट अ म्यूजियम, इट वॉज एन अर्बन कल्चर सेंटर वेयर अ डेंस टेक्सचर ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्पेसिस हैज बीन इंटरवीन एंड सुपर इम्पोज ओवर एन अदर। तो जहाँ पर आपको इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर दे आर सुपर इम्पोज, तो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट कि कौन सा स्पेस आपका इंटीरियर में काउंट होगा कौन सा आउटर में काउंट होगा। इट इज लाइक कि काफी मर्जिंग इस तरह का है। इट इज एन इंट्रिंगिंग मिक्सचर ऑफ गैलरीज इरीगेटिंग अ लार्ज अर्बन फील्ड विद लीनियर डिस्प्ले सर्फेसिस। ओके हेयर आर सम फोटोग्राफ्स, हेयर यू कैन सी, तो आपको देख के लाइट लग जाएगा कैसे इंटीरियर किस तरह का है एंड द अदर व्यूज आर देयर। मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं फ्लोर प्लान्स एंड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ फर्स्ट प्लान, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट इज सो इम्पोर्टेंट और नॉट। अगर आपको रिफर करना है तो यू कैन डाउनलोड द PDF एंड यू कैन हैव अ लुक। नाउ कम टू द गैलरीज वॉकवेज एंड मटेरियल्स हेयर लोकेटेड अराउंड अ लार्ज फुल हाइट स्पेस विच गिव एक्सेस टू द गैलरीज डेडिकेटेड टू द परमानेंट कलेक्शन एंड द टेम्प्रेरी एग्जीबिशंस एंड ऑडिटोरियम रिसेप्शन सर्विसेज कैफेटेरिया एंड बुकशॉप। नेक्स्ट इज PNO साइंस सेंटर, समवन सेज कि PE इज साइलेंट हेयर सो हैनो साइंस सेंटर, तो बाकी देख लेना मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। PNO साइंस सेंटर ये भी जर्मनी के अंदर है, 2000 से लेकर 2005 के अंदर कंप्लीट द साइज इज देयर। गुंगजाओ ओपेरा हाउस, तो यहां पर भी क्लियर है कहां पर है, ये चाइना के अंदर है, नाम से क्लियर होगा। 2003 से लेकर 10 के बीच इट वॉज लाइक दिस। अगर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, इट इज़ लाइक अ पेबल, होता है ना पत्थर होते हैं, अगर इफ़ यू जस्ट गो टू द रिवर साइड एंड यू विल सी सम पेबल्स लाइक पेबल्स इन ए स्ट्रीम स्मूथड बाय द इरोजन, उनको पानी लगता रहता है एंड स्टार्टेड इरोजन, तो इट इन स्टार्टिंग इट विल लुक लाइक, लेकिन आफ्टर सम ईयर्स और मे बी मैनी ईयर्स इट विल लुक लाइक दिस इरोजन। द गुंगजाओ ओपेरा हाउस सिट्स इन परफेक्ट हार्मनी विद इट्स रिवर साइड लोकेशन, तो जहाँ पर इनका ओपेरा हाउस बनाया गया है चाइना के अंदर गुंगजाओ, इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर साइड। द ओपेरा हाउस इज एट द हार्ट ऑफ गुंगजाओ कल्चर डेवलपमेंट, इट्स यूनिक ट्विन बॉल्डर डिजाइन इनहेंस द सिटी बाय ओपनिंग इट टू द पेल रिवर। तो यहाँ पर जो किस नदी के किनारे है, इट इज द पेल रिवर, ये आई थिंक कुछ टाइम पहले ही न्यूज में भी थी। सो यूनिफाइंग द एडजस्टेंट कल्चरल बिल्डिंग विद द टावर्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस ऑफ गुंगजाओ The design is evolved from the concept of natural landscape and fascinating interplay between the architecture and nature. So it is like environment sustainable building type. तो आप समझ सकते हैं कि environment को काफी ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ऐसे कुछ elevations views हैं आप देख सकते हैं like this. It is like a auditorium. How it look? So it is an auditorium. These are the plans. बाकी वीडियो को पोस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं या फिर आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इमेजेस हाउ इट वाज बिल्ट, लंडन एक्वेटिक सेंटर, सो द प्रोजेक्ट नेम इज लिक्विड लंडन एक्वेटिक सेंटर, इट इज इन लंडन ऑफ कोर्स, 2005 से लेकर 2011 के आसपास ये कंप्लीट हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। a concept inspired by the fluid geometry of water in motion, creating spaces and a surrounding environment in sympathy with the river landscape. So here you can see कि जिनके जहा हदीद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उन्हें कोई भी एक नेचुरल ऑर्गेनिक शेप्स की बिल्डिंग होती थी। रीजन भी उसे बहुत क्लियर है ऑर्गेनिक शेप के अंदर, बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स टू मर्ज इन द इन्वायरमेंट। अगर हम नेचर में कोई भी चीज़ देखते हैं कभी शार्प एजेस में नहीं होती है। इफ यू सी एनीथिंग, आप चाहे सेलेस्टियल बॉडी ले लीजिए, मून सन कोई सा भी चीज़ लेंगे, कोई भी चीज़ लेते हैं, इट इज़ लाइक इन स्फेरिकल शेप, क्योंकि एक फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न फॉर द स्फेरिकल शेप, इट इज़ द मोस्ट बैलेंस्ड और ज़्यादा स्टेबल होता है। सो इट इज़ लाइक क्रिएटिंग स्पेसिस विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इन सिंपथी विद द रिवर लैंडस्केप ऑफ द ओलंपिक पार्क
एन अंड्यूलेटिंग रूफ स्वीप अप फ्रॉम द ग्राउंड एज ए वेव. तो यहां पर आप देखेंगे इस बात करेंगे एनक्लोजिंग द पूल ऑफ द सेंटर विद इट्स यूनिफाइंग जेस्चर. तो लाउड नाउ सी, सो जो एक विंग की तरह है ना, देखो ये वाला है और ये वाला पार्ट है, ये एक से मर्ज करता है. सो आप इसको देख सकते हैं, ये सेम चीज़ है. मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है लंदन 2012 के एग्जाम, 2012 के ओलंपिक्स हुए थे तो इसी के लिए बनाया गया था. और बाकी इसके प्लान्स हैं, और दिस इज़ द प्लान. यहाँ पर साइड प्लान, एक्चुअली इट्स नॉट अ प्लान, इट्स साइड प्लान, एंड दिस आर द एलिवेशंस. और आप इसके सेक्शन देख सकते हैं, लाइक अ प्लान एंड सेक्शंस. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, जहाँ पर आपने काफ़ी देखा भी होगा इनके बारे में, इस प्रोजेक्ट, इस बिल्डिंग के बारे में, हैदर अलीयेव सेंटर. सो इट इज़ इन बाको. बाको कहाँ पर? आज़रबैजान है. और मैं पिछले एक साल तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने से बता भी चुका हूँ जितने मेरे वीडियोस हैं, कि यहाँ पर एक काफ़ी यूनेस्को की समिट हुई थी 2019 के अंदर, जहाँ पर ही जयपुर को एज अ हेरिटेज टैग मिला था. तो बाको को देख लेना कहाँ पर, एक बार मैप में जाकर देख लो. ये पड़ता है कैस्पियन सी, यहाँ पर है तो यहाँ पर कहीं पड़ता है, और बाकू इस जगह पड़ता है, आज़रबैजान. इट्स आज़रबैजान एंड इज अ बाकू. सो 7 से लेके 12 तक ये बिल्डिंग बनी थी, रिपब्लिक ऑफ आज़रबैजान कंप्लीटेड, एंड दिस इज द व्यूज ऑफ दिस बिल्डिंग. सो नाउ एज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन. देखो इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. आई यूजली गिव ऑनलाइन क्लासेस फॉर द हिस्ट्री पार्ट, एंड हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द आर्किटेक्चर. लेकिन मैं आपसे ये सब डिस्कस नहीं कर सकता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सोशलिज्म क्या होता है, वाई 1991 इज कोल्ड एज द डिस्टेबलाइजिंग फेस ऑफ द वर्ल्ड, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, और 1991 के अंदर व्हाट वाज द, अभी यूएसए है, ओनली द यूएसए इज देयर, बट बिफोर 1991 देर वॉज अ टू पावर, यूएसए एंड यूएसएसआर, दैट इज सोवियत रशिया के वो बात करते हैं. जैसे आज की, अभी रशिया ने ऑफकोर्स की लेगेसी को इनहेरेंट किया है, लेकिन दैट टाइम टू नेशंस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूएसएसआर, सोवियत यूनियन बोलते थे उसको, यूएसएसआर, और एक तरफ से यूएस. यूएसए वॉज प्रमोटिंग द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और यहां पर कम्युनिस्ट. क्लियर? एंड तो 1991 के अंदर इट वॉज इट इज कॉल्ड एज अ डिस इंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. सो एक पूरा कंट्री था, इट वॉज डिवाइडेड इन टू द 15 पार्ट्स, और 15 पार्ट्स के अंदर पहला जो, कई सारे पार्ट्स के अंदर एक पार्ट बनता है आजरबैजान. सो यहां पर द कैपिटल ऑफ आजरबैजान बाकू है, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी, वॉज हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लानिंग ऑफ दैट एरा. सो ये देखो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूएसएसआर की जो फिलोसफी है, इट इज बिलीव ऑन द प्लानिंग, या फिर हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं. इवन अगर आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, इट यूज टू मेक द प्लान्स. तो जो सोशलिज्म है या कम्युनिस्ट है, इट्स बिलीव ऑन द प्लानिंग, और जो कैपिटलिस्ट है, इट्स बिलीव ऑन द फ्री मार्केट. तो 1991 से पहले जितनी भी आजरबैजान की प्लानिंग हुआ करती थी, और सारी सोवियत एरा के टाइम पर हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर द दिस इंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, सो इट वन वन कंट्री वाज द आजरबैजान, दैट इज फ्रॉम द 15 कंट्रीज, सो इट गोट इंडिपेंडेंस इन 1991. आजरबैजान हैज इन्वेस्टेड हेविली इन द मॉडर्नाइजिंग एंड डेवलपिंग बाकू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर. तो उसके बाद उन्होंने काफी फोकस किया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, डिपार्टिंग फ्रॉम इट्स लेगेसी ऑफ नॉर्मेटिव सोवियत मॉडर्निज्म. सो जहां तक जो फिलोसफी चलती हुई आई थी बिफोर 1991, उससे अलग दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन दी. नाउ सेटिंग द हैदर अलीयेव कल्चर सेंटर इज वन ऑफ द मेनी बिल्डिंग दैट विल बी इरेक्टेड इन अजरबैजान, एंड इट इज वन ऑफ द सेवरल प्रोजेक्ट एग्जिबिटिंग प्रोग्रेसिव डिजाइन एलिमेंट एंड कटिंग एज इंजीनियरिंग सोल्यूशन. सो वही चीज आती है, क्योंकि दे वॉन्ट टू डिपार्ट फ्रॉम देयर सोवियत मेंटेलिटी. तो दिस थिंग, तो बाकी आप उसको पोस्ट करके पढ़ लेना, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. एंड आई एम गेटिंग सो मैनी रिव्यूज ऑन दिस थिंग. सो काफ़ी बड़ा पॉइंट बताया लोगों ने, कि आपकी वीडियोज थोड़ी बड़ी हो जाती हैं. सो इसके लिए मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं, वी फोकस्ड ऑन इजी टू क्लीन एक्सटर्नल क्लैडिंग मटेरियल्स बिकॉज ऑफ हैवी पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, काफ़ी एयर पॉल्यूशन हुआ करता था, तो ऐसे मटेरियल उनको चाहिए थे जो काफ़ी इजीली क्लियर क्लीन हो सकें. देर आर ऑल रिफाइनरीज, एंड ऑयल रिफाइनरीज क्यों हैं, क्योंकि कैस्पियन सी है, और जो वाटर बॉडी होती है वहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह मिल जाते हैं इजीली. जैसे इंडिया के अंदर वेस्टर्न कोस्ट में जाएंगे तो बॉम्बे हाई के नाम से है, और पर्सियन गल्फ के अंदर तो काफ़ी कुछ है, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड ऑल दिस थिंग. एंड क्लेडिंग इज वाइट,
सो दैट्स हाउ ग्लास फाइबर एंड रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक यूज की गई थी, आप पढ़ सकते हैं इसको देख के. सो इट वॉज द मटेरियल वॉज ऑफ मैनी थिंग लाइक मिक्स ऑफ रीइन्फोर्स कॉन्क्रीट, स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट बीम्स एंड डेक्स. सो दीज आर द प्लान्स, आप देख सकते हैं. उसके बाद इसका एलिवेशन है एंड देयर आर सम व्यूज, कंस्ट्रक्शन के टाइम की वीडियोज हैं, व्यूज हैं. सॉरी, द लास्ट प्रोजेक्ट फॉर बीजिंग न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग दैट इज इन बीजिंग, एंड बीजिंग इज इन चाइना. सो दीज आर दी सम व्यूज. अल वक्रा स्टेशन अंडर फीफा, स्टेट ऑफ कतर. कतर के अंदर आपको पता है कि नेक्स्ट ओलंपिक्स हैं इन 2020 होने थे शायद, 2024 लंदन में, 2020 के कुछ थे. तो यहाँ पर वो चेक कर लेना, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है. तो यहाँ पर इसका बनाया गया था. नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जहा दिस वॉज नॉट ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर, देर वॉज समथिंग डिफरेंट. सो सी यूज टू बिलीव इन लाइक अ डिफरेंट फर्नीचर, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ज्वेलरीज एंड ऑल दिस थिंग्स. सो अदर आर्टिक रिलेटेड वर्क. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनका सोफा टाइप टू सीटिंग सोफा ही बनाया गया है और यहाँ पर फर्नीचर है. हियर यू कैन सी. अगर हम बात करते हैं एरिया पेंडेंट लैम्प, तो लैम्प के ऊपर उनका डिजाइन किया था, तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज अ नेकलेस एंड कफ, तो आप देख सकते हैं दिस वॉज अ डिजाइन मेड बाई दिजादी. सो देखने में ऐसा एंड पहनने के बाद इस तरह कुछ लगता है. बेंच ओड्रुप गार्ड, सो आई थिंक इट्स नेम इज इन जर्मनी, इट्स जर्मन वर्ड. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की बेंच बनाई है उन्होंने. फ्लोटिंग स्टेयर केस, तो हेयर इट लुक लाइक द कि यहाँ पर फ्लोट कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था. देखने में लगती थी फ्लोट कर रही हैं, बट इन रियलिटी इट वॉज नॉट लुक लाइक दिस. एंड शैंडलर्स, तो इस तरह के डिजाइन वो बनाती थी. नाउ कम टू दी क्रिटिसिज्म अबाउट दी ज़ाहा हदीद. ऑफ कोर्स इफ समथिंग इज हैपनिंग तो सम पीपल तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, और हर चीज़ का होता है, एवरी कॉइन हैज़ टू फेस. सो सम क्रिटिसिज्म वॉज देयर. कुछ लोग बोलते हैं कि इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज अबाउट द एक्सपेंसिव, बहुत महंगे बनते हैं. कुछ लोगों का यही मानना था कि इट वॉज अ पेपर वर्क, कि सिर्फ पेपर पर ही पॉसिबल है, इन रियलिटी इट इज नॉट सस्टेनेबल. सो नॉट सस्टेनेबल. कुछ लोगों का मानना था कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं इट वॉज नॉट फाइनेंशियली वायबल, तो वहाँ पर किसी भी डेमोक्रेसी या किसी भी अच्छी कंट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है. इट इज़ ओनली पॉसिबल ऑन दोज कंट्रीज विच इज डिक्टेड बाई एन डिक्टेटर, जहाँ पर एक राजा या फिर कोई डिक्टेटर रूल करता है. सो डिक्टेटर टाइप स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. बाकी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, कतर कॉन्ट्रोवर्सी. तो कतर एक कंट्री है मिडल ईस्ट के अंदर. सो वहाँ पर यह था कि 2022 के, ओके, द फीफा वर्ल्ड कप, सॉरी आई एम जस्ट गेटिंग कन्फ्यूज, द ओलंपिक्स, आई एम सॉरी, इट वॉज नॉट द ओलंपिक्स, इट वॉज द फीफा वर्ल्ड कप कतर में जो होना है 2022 के अंदर, 2 साल के बाद. सो वहाँ पर हदीद डिफेंडेड हर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट डिस्पाइट रिविलेशन रिलेटेड टू द वर्किंग कंडीशन इम्पोज ऑन माइग्रेंट. सो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर भी. कई सारे लोग इंडिया से जाते हैं वहाँ पर, उनको एज अ लेबरर या फिर पिटी वर्क करते हैं. सो दे आर नॉट ट्रीटेड वेल इनफ एंड देयर ह्यूमन राइट्स और लेबर राइट्स आर वायोलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं. सो अगेन इट वॉज अ एलिगेशन ऑन दिस प्रोजेक्ट कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके राइट्स को वायोलेट किया जा रहा है. सो सी एक्नोलेज, बट सी एक्नोलेज दैट देयर वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम विद द नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हु हैव डाइड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क रिलेटेड टू द वर्ल्ड कप. सो जो ये बन रहा था तो उसके लिए काफ़ी लोगों की डेथ हुई है. इट वॉज डिसाइडेड. सी ऑल्सो सेड दैट सी बिलीव्ड इट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द कतारी गवर्नमेंट टू रिजोल्व. उन्होंने बोला कि मेरा काम नहीं है, इट इज़ लाइक मेरा डिज़ाइन है, उसको बनाइए, बाकी वायोलेशन हो रहे हैं, इट इज़ नो डाउट कि वायोलेशन नहीं हुए हैं लेबर लॉस के बारे में, बट इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इट वॉज द कतर कॉन्ट्रोवर्सी. इन द कंक्लूजन वी कैन से हर वर्क बोथ आर्किटेक्चरली एंड अदर रिलेटेड टू दी आर्किटेक्चर हैज़ रिवील्ड दैट ज़ाहा हदीद वॉज एन इंडिपेंडेंट एंड एनर्जेटिक पर्सन हु हैव ऑथेंटिक वर्क एंड ब्रेव इनफ टू स्पीक अप अबाउट हर ऑन टेस्ट. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बट इट वॉज ट्रू. द फीलिंग ऑफ फेमिनिज्म, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू देखो फेमिनिज्म का मतलब होता है कि इट इज प्रमोशन ऑफ द फेमिनिस्ट. कोई भी चीज टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं फेमिनिज्म. द फीलिंग ऑफ फेमिनिज्म कैन बी क्लियरली इंटरप्रेटेड फ्रॉम हर आर्टिकल स्टाइल. तो
कैसा देखने को लगता है उनके आर्टिफिशियल बिल्डिंग के अंदर कि इट इज प्रमोटिंग द फेमिनिज्म. व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ कर्व्स, अगर हम कोई भी कर्व्स देखते हैं उनकी बिल्डिंग के अंदर इस तरह के आते हैं, द कर्व्स आर रिलेटेड फॉर द वुमेन एंड फ्लूडिटी इन हर डिजाइन रिप्रेजेंटिंग द फेमिनिन पार्ट. सो आप इसको देख सकते हैं, ऑल दो इट इज अगेन लाइक डिफरेंट थिंग कि कोई हम किस तरह से किस चीज़ को कैसे परस्यू करते हैं. वुमेन का मतलब ये नहीं है कफ्स के साथ ही कि लाइक अ सॉफ्ट एंड ऑल दिस थिंग, बट इन रियलिटी इन अ जनरल परस्पेक्टिव इट इज लुक लाइक दिस. तो नाउ कम टू दी, सो इट्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन एंड इट्स लाइक ए ट्रिब्यूट टू जहा हदीद. काफ़ी लोगों को बिल्डिंग पसंद आती है इनकी. आई एम ऑल्सो वन ऑफ लाइक आई एम ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट दैट लेडी. सो आई थॉट कि इट इज़ बेटर कि हम लोग इस तरह से कवर कर सकते हैं कि जो भी बिल्डिंग्स होंगी या फिर उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ होगी तो वी विल वर्कआउट फॉर दिस. सो यू कैन अगेन यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड यू कैन गेट दी PDF ऑफ दिस लेक्चर ऑन द टेलीग्राम चैनल. एंड थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.